हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, बिग बॉस में एक बार फिर सिद्धार्थ और शहनाज, क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा, सब कुछ आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो किस तरह से बिग बॉस में एक बार फिर सिद्धार्थ शहनाज, ये बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन हर बार सिद्धार्थ और शहनाज, बार बार सिडनाज या सिद्धार्थ और शहनाज, ऐसा क्यों? बिग बॉस 13 नहीं चल रहा, बिग बॉस 14 चल रहा है, बिग बॉस 14 चल रहा है, लेकिन बात अगर किसी की होती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज, और किसी की बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज की बात होती है। चाहे उन्हें बुलाना हो अपने प्रमोशन के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिद्धार्थ और शहनाज अपने प्रोजेक्ट प्रमोट करने गए हों, लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि सिद्धार्थ और शहनाज को बिग बॉस प्रमोट करने के लिए बुलाया गया हो। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस में डेवलिना पहले से मौजूद थी और पारस छाबड़ा अभी अभी पहुँच गए हैं। अब भाई, क्या बिग बॉस का ताना बाना नहीं चलता है या दाना दाना नहीं चलता है सिडनास के बिना, सिद्धार्थ और शहनाज के बिना? ये फैसला तो हम आप पर ही छोड़ देंगे। पहले अपनी बात को तो पूरा कर लें। आपको बता, जैसा कि हमने बताया कि डेवलिना और पारस छाबड़ा घर के अंदर हैं। अब भाई ऐसे में क्या है, पहले ही सिद्धार्थ और शहनाज को बुला बुला कर जो है बिग बॉस को चलाने की और उनके नाम ले लेकर बिग बॉस को चलाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन अब तो रोज हर घंटे, या फिर आप यूं कहें कि बार बार हर बार सिद्धार्थ शहनाज का नाम लिया जाता है। इसीलिए तो डेवलिना और पारस छाबड़ा को अंदर रखा गया है, जो कि पिछले सीजन के कंटेस्टेंट है, और कंटेस्टेंट भी वो जिन्हें सिद्धार्थ और शहनाज का नाम आने से चीटी सी काट जाती है, वही वाले कंटेस्टेंट। अब यहाँ पर डेवलिना और पारस बैठे थे, ऐसे में दोनों के बीच में चलती है बात। डेवलिना कहती है, पारस छाबड़ा कहते हैं कि सिद्धार्थ ने शहनाज और आरती को तो कभी नहीं बचाया था। इस पर डेवलिना कहती है कि आरती को तो फिर भी कभी सपोर्ट किया था, लेकिन शहनाज को नहीं किया था। पारस छाबड़ा सीधे यहाँ पर अपना रंग बदलते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर पारस छाबड़ा, आपके ऊपर सिद्धार्थ शुक्ला ने एहसान किया, तुम्हें फिनाले में जगह दिलवाई, ग्रैंड फिनाले में जगह दिलवाई, उसके बाद तुम ये कहते हो कि सिद्धार्थ शुक्ला लॉयल नहीं थे, लॉयल्टी पे तो तुम्हारे शक होना चाहिए। चलिए छोड़ते हैं। उसके बाद डेवलिना कहती है कि शहनाज को इसलिए नहीं बचाया होगा क्योंकि शहनाज की अपनी फैन फॉलोइंग थी और वो बहुत ही बेहतर तरह से ये जानता था, सिद्धार्थ ये बहुत बेहतर तरह से जानता था। इस पर पारस छाबड़ा कहते हैं, और वो पहुंच सकती थी, उसमें वो पोटेंशियल था, उसकी फैन फॉलोइंग थी, ये सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से पता था, इसलिए नहीं बचाया। इस पर पारस छाबड़ा कहते हैं, तो तू क्या कहना चाहती है कि मैं नहीं पहुंच सकता था? ऑफ कोर्स, उससे क्या पूछते हो, देश की जनता से ही पूछ लो, देश की जनता ही बता देगी कि आप ग्रैंड फिनाले तक जाने के बिल्कुल भी लायक नहीं थे। लेकिन आप ग्रैंड फिनाले तक पहुंचे तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की बदौलत। और आज उसी सिद्धार्थ शुक्ला के बोधे से लेकर आज जब आप बिग बॉस के अंदर हैं, तब भी सिद्धार्थ शुक्ला के नाम ले लेकर ही अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि ऐसा होने नहीं वाला है, लेकिन वही है ना कि मरता क्या ना करता। तो भाई जो कहीं नहीं चलेगा तो सिद्धार्थ और शहनाज का नाम तो लेगा। एंड ऑफ कोर्स बिग बॉस 13 से रिलेटेड वो लोग जिनको सिद्धार्थ शहनाज के नाम से चीटी काटती है, वो तो लेंगे ही। तो भाई ऐसा ही हुआ है इस बार फिर से कुछ, और जो कि हमने आपको बताया, तो पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि सिडनास का नाम लिए बिगड़ बिग बॉस की दाल नहीं गलती, बिग बॉस की रातें नहीं कटती और दिन नहीं गुजरता। आपको क्या लगता है, और डेवलिना और पारस का तो शायद कुछ भी नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। टिल देन, बाय बाय।